सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को संत तिरुवल्लुवर जी और संत कबीर दास जी के बारे में बताई थी। आज मैं उनके द्वारा रचित दोहे पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। इसलिए आप अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक निकाल लीजिए और पेंसिल भी, क्योंकि बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं, है ना, उन शब्दों को आपको रेखांकित करना है, ठीक है। तो बच्चों, आपने अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक निकाल ली। अब यहाँ देखिए, अध्याय 6, शीर्षक क्या है, अनमोल दोहे। इस पाठ में कबीर दास जी, संत तिरुवल्लुवर जी और कबीर दास जी के शिक्षाप्रद दोहे संकलित किए गए हैं। अब यहाँ देखिए, पहला दोहा, उपकारी नहीं चाहते पाना प्रत्युपकार। उपकारी का अर्थ क्या होता है, भलाई करने वाला। जो भलाई करते हैं वे बदले में कभी भी भलाई नहीं चाहते हैं। प्रत्युपकार मतलब भलाई के बदले भलाई। बादल को बदला भला क्या देता संसार। यहाँ पर संत तिरुवल्लुवर जी उपकारी की तुलना बादल से की है। बादल भयंकर गर्मी सहकर सुदूर समुद्र से जल भरकर लाते हैं और उसे बरसा देते हैं, जिससे मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधों सभी को जल, जीवन और भोजन मिलता है। इतने महान उपकार के बदले बादल किसी से कुछ नहीं लेते, कोई प्रत्युपकार नहीं चाहते। तो संत तिरुवल्लुवर जी उपकारी की तुलना किससे किए हैं, बादल से किए हैं, कि जिस तरह से बादल को संसार कुछ भी नहीं देता है, उसी तरह से उपकारी जो है उपकार के बदले उपकार नहीं चाहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, दोहा 2 में, दान पुण्य तप कर्म भी करते हैं जो लोग, उनसे बढ़ हैं हृदय से सच बोले जो लोग। बच्चों, यहाँ पर संत तिरुवल्लुवर जी इस दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि दान पुण्य तपस्या कर्म, यानी अच्छे अच्छे काम करने वाले, महान सच बोलने वाले को बताया है। कर्ण दान, जो व्यक्ति दान करते हैं, जो व्यक्ति पुण्य काम करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, वे तो महान हैं ही, लेकिन उनसे भी महान कौन है, जो सच बोलते हैं। सच बोलने वाले के लिए बड़ा हृदय का होना बहुत जरूरी है। सच बोलने से व्यक्ति स्वयं शांत और आत्मविश्वास से पूर्ण रहता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है और दूसरों को कभी भी धोखा या कष्ट नहीं देते हैं। तो संत तिरुवल्लुवर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तप करते हैं, कर्म करते हैं, वे तो महान हैं ही, लेकिन उनसे भी महान कौन है, जो सच बोलते हैं। सच बोलने वालों का हृदय बड़ा होता है। तो बच्चों, इन दो दोहों से, एक और दो, इन दो दोहों से हमने क्या सीखा, कि भलाई करना चाहिए लेकिन भलाई के बदले भलाई का उम्मीद नहीं रखना चाहिए, और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोग किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आज बस इतना ही। फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलूंगी। आपका गृह कार्य है इन दो दोहों को याद करके रखना। अब इसमें कठिन शब्द है प्रत्युपकार, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, और उपकारी इसको भी, और उसके बाद ये पुण्य कर्म इसको भी रेखांकित कर लीजिए, हृदय को भी रेखांकित कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलूँगी। धन्यवाद।